अस्सलामु अलैकुम, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। बेशुमार दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। कलर्स ऑफ लाइफ विद सलीम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी व्यूअर्स, जर्मनी के बारे में मैंने आपको अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि जर्मनी में बहुत सारे तारीख़ी किले हैं और ख़ास तौर के ऊपर एक जर्मनी का सबसे मशहूर तारीख़ी किला नोएश्वाइनस्टाइन, इसके ऊपर मैंने अपनी एक वीडियो ही बनाई है और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो बहरहाल आज संडे का दिन है और मैं अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे निकला हुआ हूँ। तो आज जनाब मैं एक और किले पे आया हूँ और इस किले का नाम है एल्स कैसल। तो ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है ये रास्ता जा रहा है उस कैसल की तरफ। तो अब मैं जाके एक्सप्लोर करता हूँ उस कैसल को और मेरे साथ फिर मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स भी इस कैसल की सैर करेंगे। माई यूट्यूब फ्रेंड्स, तो ये है कैसल एल्स का आउटर व्यू। अच्छा, कैसल के अंदर से फोटोग्राफी और वीडियो अलाउ नहीं है तो मैं इसका आपको बाहर का व्यू ही करा सकूँगा। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको हिस्ट्री बता सकूँ कि ये 12th सेंचुरी का ये कैसल है और ये भी एक बड़ा मशहूर कैसल है जर्मनी का। और ये जो सताए समंदर से 129 मीटर अबव है और इसका एक यूनिक आर्किटेक्चर यहाँ टूरिस्ट को पूरे यूरोप से ही बड़ा अट्रैक्ट करता है। और इसके ये जो छोटे छोटे से आपको ये टावर दिख रहे हैं ये 8 मीटर से लेके और 35 मीटर तक इनकी हाइट है। और इसका जो इंतज़ाम है वो एक ही ख़ानदान के पास चला आ रहा है तकरीबन 800 सालों से। तो ये तो इस कैसल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने हासिल की थी वो मैंने आपको दी है। अब थोड़ा सा यहाँ मैं अपनी फ़ोटोग्राफी भी करूँगा और इसकी वीडियो बनाऊँगा ज़रा सा, जितना ही मैं बाहर से इसको कवर कर सका। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको भी इसकी सैर कराऊँगा और ख़ुद भी इंजॉय करूँगा।
जी व्यूअर्स, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो भी तमाम पिछली वीडियो के साथ बहुत की तरह बहुत अच्छी बहुत पसंद आई होगी और आपने आज इस किले की सैर को खूब इंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह ताला जल्दी आपसे एक और वीडियो में मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।